रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। I call upon the representative of Staff Association, Mr. Mohammad Mirza Azad, Inspector of Customs, to share his views. Azad, क्या हुआ था ये? Bismillahirrahmanirrahim. इज्जतमा आप चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बलूचिस्तान मोहतरम गुल रहमान साहेब, जनाब कलेक्टर ऑफ कस्टम्स अब्दुल वहीद मरवत साहेब, काबिल सर एहतराम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स इरफान जावेद साहेब, हमारे एडिशनल डिप्टी और असिस्टेंट कलेक्टर साहिबान, क्वेटा और चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर व अराकीन, पाकिस्तान कस्टम्स के रिटायर्ड अफसरान, शुहदा के लवाहिकीन और बिलखसूस हमारे वो मरहूम साथी जो साल गुज़श्ता हमारे साथ इकट्ठे इस तकरीब में मौजूद थे, उनके वर्षा ताजर बरादरी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान, पाकिस्तान कस्टम्स के एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर और क्लास फोर स्टाफ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अवलन में अपनी तरफ से कस्टम्स क्वेटा के एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल और क्लास फोर साथियों की जानिब से आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को फर्दन फर्दन खुशामदीद कहता हूँ। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहा रोज रोज उतरता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की यह पुरवकार तकरीब कस्टम्स के आदमी दिन के हवाले से मुनक़िद की गई है, चूंकि साल 2020 के दौरान कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत के पहिए को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया, बल्कि इंसानी तारीख में पहली मरतबा बनीन और इंसान के लिए अशियाई जरूरत की कमी दुनिया के गोशों और किनार में महसूस की गई। इसीलिए शायद वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2021 के हवाले से इस उन्वान का इंतखाब किया, कस्टम्स बोस्टिंग रिकवरी रेन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन, यानी दुनिया वालों को बुनियादी जरूरी अशिया की फराहमी की यकीनी बहाली और तजदीद के लिए कस्टम्स का तवाना किरदार। इज्जत में आप चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बलोचिस्तान, सानियन में अपनी तरफ से और अपने जुमला साथियों की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को रवा माली साल के टैक्सेस के अहदाफ की वसूली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आप और आपकी पूरी टीम दोनों मोहतरम कलेक्टर साहिबान की सरबराही में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जनाब अली, जिस तरह कलेक्टर कस्टम्स मरवत साहब ने बयान किया कि एफबीआर की तरफ से दिए गए हदफ को पूरा करने में कस्टम्स क्वेटा के तमाम मुलाजमीन का किरदार अपनी जगह काबिल सताइश है, बिल्कुल उसी तरह से हम समझते हैं कि यही मुलाजमीन वो बालों पर है कि जिनके तवस्सुत से टीम लीडर उड़ान भरते हैं और दिए गए अहदाफ को पूरा कर लेते हैं। इस खूबसूरत दिन के हवाले से इस्तफादा करते हुए कस्टम्स क्वेटा के एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल और क्लास फोर स्टाफ के छोटे छोटे मसाइल और मुश्किलात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। हजूरे वाला, आपके जेर साया क्वेटा कस्टम्स में एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रियल स्टाफ की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो गुज़श्ता 26 से 30 साल कबल जिन पोस्टों पर भर्ती हुए थे आज तक उन्हीं ओहदों पर काम कर रहे हैं। दो तीन दहाइयों से एक ही पोस्ट पर काम करने से ना सिर्फ उनकी हौसला शिखनी होती है बल्कि उनकी कारकर्दगी पर भी बड़ा फर्क पड़ता है, मगर कस्टम्स क्वेटा के मुलाजमीन ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से कभी भी अपने अफसरान बाला को शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि रोज अव्वल की तरह आज भी उसी जानफिशानी और तंदेही से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। साल गुज़श्ता चीफ कलेक्टर साहब ने यह वादा किया था कि वो कस्टम्स क्वेटा के इन देरीना मसाइल को हल करने पर खसूसी तवज्जो देंगे, मगर ऐ बसा आरजू के खाब शुद, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़ाते गिरामी क्वेटा कस्टम्स के छोटे तबके के मुलाजमीन के इस देरीना मसले को खसूसी तवज्जो देते हुए उसे हल करेंगे, जिसके लिए हम तहयात आपके शुक्रगुजार और दुआगो रहेंगे। जनाब वाला, दूसरा मसला जो दरपेश है वो ये कि कमोबेश चार दहाइया कबल करीब ही कस्टम हाउस के अकब में जो कस्टम्स कॉलोनी बनाई गई थी उसमें तौसी या नई कॉलोनी के कयाम के लिए इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज हमारे वो साथी जो दीगर शहरों से क्वेटा आते हैं उन्हें रिहाइश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितना बेहतर होगा कि कस्टम्स मुलाजमीन की रिहाइश के मसले को हल करने के लिए इकदाम किए जाएं।